Hello everyone, welcome you all in today's lecture. Today in this lecture we will study about the numerical problem on Krichoff law. First of all, last few lectures mein we studied the numerical problems over the drift speed of electron, numerical problem resistance ke combination pe, further Ohm's law ke basis pe numerical problems dekha tha. Aaj ke lecture mein we will study the numerical problems on Krichoff law. Yani Krichoff law jo do Krichoff ke law the, first one is the junction law, yani net incoming current is equal to net outgoing current. Second one is the loop rule, that is the sum of potential. Ek closed loop mein jo total potential hoti hai, sum of potential closed loop mein wo zero hoti hai. Us dono law ko hum aaj numerical mein apply karke uske aspects ko dekhenge. Then we will start with the first question. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्किट दे रखी है. लेट अस कंसीडर दिस इज द सर्किट, दिस इज द बैटरी. एक बैटरी को एक रेसिस्टर से कनेक्ट किया. फर्दर अगेन एक दूसरी सेकेंड बैटरी जो है ये सर्किट क्वेश्चन में दे रखा हुआ है. इस बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम रेसिस्टर. बैटरी की वैल्यू है 8 वोल्ट, दिस इज 1 ओम रेसिस्टर. अगेन सर्किट में एक और ब्रांच है, इस पूरे ब्रांच को हमने 8 ओम रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया. नाउ क्वेश्चन में हमें करंट फाइंड करना है इस ब्रांच में. हर एक ब्रांच में यानी इस पूरे सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में फर्दर सक्सेसिव ब्रांच में करंट क्या फ्लो करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है. लेट अस एज्यूम कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज अगर हम एज्यूम करते हैं ये करंट है आई वन, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हुआ आई टू. इस ब्रांच से करंट आई वन फ्लो हुआ, दिस ब्रांच से आई टू करंट फ्लो हुआ और ये ब्रांच हमारा करंट आई फ्लो हुआ. नाउ अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं ए बी सी डी ई. नाउ एट पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पे हम बात करते हैं, एट पॉइंट ए पे अगर Krichoff करंट लॉ हम अप्लाई करते हैं केसीएल, Krichoff करंट लॉ को हम लिख सकते हैं केसीएल. सो नेट इनकमिंग करंट, इस पॉइंट पे नेट इनकमिंग करंट कितना है आई वन और नेट आउटगोइंग करंट कितना है आई वन आई प्लस आई टू. नेट इनकमिंग करंट इस पॉइंट पे आई वन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, दैट इज आई प्लस आई टू. नाउ आई को हम रिलेट कर सकते हैं फर्दर यहां से, आई इज इक्वल टू आई वन माइनस. अगर इस लूप में हम बात करते हैं फर्दर, इस लूप में हम केसीएल तो लगा दिए, अब केवीएल लगाएंगे. अगर इस लूप की बात करते हैं, फर्स्ट लूप में करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इस लूप में अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं, यानी इन लूप ए बी सी एंड ई, इन लूप ए बी सी ई, अगर बात करते हैं ए बी सी ई, केवीएल हम लगाएंगे, अप्लाइंग केवीएल Krichoff वोल्टेज लॉ इसको बोल सकते हैं. तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस वी सी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस ई ए इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी पोटेंशियल हम लिख सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, सिंपल पोटेंशियल अक्रॉस वी ए बी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस वी सी. Krichoff लूप लॉ क्या बताता है कि अगर एक क्लोज लूप ये हम डिसाइड कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी, सम ऑफ पोटेंशियल इन दिस क्लोज लूप विल बी जीरो, यानी वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी ई अगेन प्लस वी ई ए विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू केवीएल. ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं और आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, आई वन माइनस आई टू. इस इक्वेशन से आई वन, आई की वैल्यू क्या होगी आई वन माइनस आई टू. सो नाउ
इस लूप में अगर हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, इस लूप में अगर हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, सो बी ए बी की पोटेंशियल कितनी होगी? जीरो, क्योंकि ए और बी की पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। हम लिख सकते हैं जीरो प्लस करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई वन माइनस आई टू इस ब्रांच में। बी सी के पर बी सी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? करंट इंटू रेसिस्टर। तो दिस इज एट आई वन माइनस आई टू। बी सी ई के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हुआ? अगेन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि ई और सी डी सेम पोटेंशियल पे है, तो इस ब्रांच की पोटेंशियल जीरो होगी। दिस इज जीरो। नाउ वी ई ए के क्रॉस कितनी पोटेंशियल होगी? करंट इस ब्रांच में कितना फ्लो हो रहा है? करंट दिस इज आई वन गया, ये आई टू आया, अगेन इस ब्रांच में आई वन फ्लो होगा, तो टू आई वन प्लस टू आई वन, क्योंकि वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल हम इंटर कर रहे हैं, तो दिस इज माइनस टेन हम कंसिडर कर सकते हैं, माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एट आई वन प्लस टेन टू आई वन, टेन आई वन माइनस एट आई टू इज इक्वल टू टेन। दिस इज इक्वेशन नंबर। ये लूप ए बी सी और ई में केवीएल क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के हम फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया। नाउ अब सेकेंड लूप की बात करते हैं। अगर लूप ए, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट एफ, तो ए एफ बी ई में अगर हम क्रिचॉफ लूप लॉ लगाते हैं, देन इन दैट केस क्या होगा? इन लूप ए एफ डी ई डी की वैल्यू है, तो वोल्टेज अक्रॉस वी अप्लाइंग केवीएल, केवीएल हम अप्लाई कर रहे हैं इस लूप में, इंटरनल लूप में, तो वोल्टेज अक्रॉस ए एफ प्लस वोल्टेज अक्रॉस एफ डी प्लस वोल्टेज अक्रॉस डी ई प्लस वोल्टेज अक्रॉस ई ए जीरो होगा। ए एफ, ए और एफ सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसकी पोटेंशियल होगी जीरो, सो वी कैन से दैट जीरो प्लस इस ब्रांच की पोटेंशियल होगी वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इंटर कर रहे हैं बैटरी के, सो वी कैन से दैट एट प्लस आई टू इंटू वन, आई टू इंटू वन आई टू हो गया, वी डी इज जीरो हुआ, अगेन आई वन फ्लो हो रहा है, सो वी कैन से दैट टू आई वन करंट आई इंटू रेसिस्टर रेसिस्टेंस, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं, देन अगेन माइनस टेन। नाउ ये इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो गया, आई टू प्लस टू आई वन इज इक्वल टू माइनस टू। दिस इज इक्वेशन, सॉरी दिस इज आई टू प्लस टू आई वन इज इक्वल टू टू, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो वी विल सी सर्किट की फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है, दोनों इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में दो अननोन है I1 और I2 सर्किट में, और हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सो वी कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो I1 की जो वैल्यू होगी, जो कि ऑलरेडी फाइंड है सर्किट में, I1 की वैल्यू इस सर्किट से हम निकाल सकते हैं, I1 की वैल्यू कितनी आई? माइनस सिक्स बाय सेवनटीन आ रही है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं माइनस सिक्स बाय सेवनटीन, इट मीन्स माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि हमने एज्यूम किया था आई वन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आई वन निगेटिव आया, सो वी कैन से दैट कि करंट, हमारा एजम्पशन गलत है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी करंट आई वन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, हमने एज्यूम क्या किया था? करंट आई वन इस डायरेक्शन में, बट आंसर क्या आया? करंट आई वन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी निगेटिव आया, तो आई वन इस डायरेक्शन में होगा। सो फाइनली वी कैन, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस हम सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को, और करंट I1 और I2 निकाल सकते हैं। I1 I2 आ गया तो इस ब्रांच में I1 माइनस I2 करंट आ जाएगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन से
वी फाइंड आउट दैट किसी भी अगर सर्किट है तो उसमें केवीएल कैसे यूज कर सकते हैं, केसीएल कैसे यूज कर सकते हैं, जंक्शन पॉइंट डिसाइड करेंगे, जैसे ये जंक्शन पॉइंट है, तीन टर्मिनल कनेक्टेड है, तीन ब्रांच कनेक्टेड है, अगेन ये जंक्शन पॉइंट है हमारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जंक्शन पॉइंट पे क्रिचॉफ करंट रूल लगाएंगे और नेट इनकमिंग करंट नेट आउटगोइंग करंट के इक्वेट करेंगे। सो वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में क्या करंट हो रहा है, आई वन आई टू आई थ्री, उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड देन बाई अप्लाइंग फिर हम लूप कंसिडर करेंगे, सर्किट में लूप कहां बन रहा है, उस लूप में हम केवीएल, जैसे सर्किट में एक लूप ये था, सेकेंड लूप ये था, तो दो केवीएल इक्वेशन हमने डिफाइन किया और रिलेशन फाइंड आउट किया। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आई वन और आई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन द क्रिचॉफ करंट लॉ एंड लूप लॉ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जो सर्किट में गिवन है, दैट इज गिवन इन द सर्किट, एक रेसिस्टेंस, फर्दर दिस इज ये सर्किट दे रखा है और हर ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 15 एम्पीयर। अगेन इस ब्रांच में करंट नहीं है, अननोन पता है, दैट इज लेट अस कंसीडर दिस इज आई टू, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो दैट इज गिवन 8 एम्पीयर। अगेन इस ब्रांच से करंट 3 एम्पीयर आ रहा है। ये सर्किट एक पर्टिकुलर कोई सर्किट है, इसका एक स्मॉल पार्ट सेक्शन दे रखा हुआ है, इस ब्रांच से 15 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, दिस वन इज 8 एम्पीयर, ये ब्रांच हमें नहीं पता, हमने कंसीडर किया आई टू, इस ब्रांच से 3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। नाउ अगेन यहां एक रेसिस्टेंस हो रहा है, लेट अस कंसीडर ये आई फोर करंट इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है। नाउ इस ब्रांच से आई थ्री करंट कंसीडर करते हैं और इस ब्रांच से लास्ट ब्रांच से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और दिस वन इज आई वन। नाउ हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट है, इस सर्किट में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में जो सक्सेसिव करंट है वो डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रांच में 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दिस ब्रांच में करंट हमें पता नहीं है, हमने अज्यूम किया आई टू, दिस ब्रांच 8 एम्पियर, दिस वन 5 एम्पियर, इसमें हमने अज्यूम किया आई थ्री, दिस वन वी हैव अज्यूम आई फोर, दिस वॉज 3 एम्पियर, एंड अगेन इन दिस ब्रांच वी हैव अज्यूम आई वन। नाउ अब इस सर्किट में हमें फाइंड क्या करना है, आई टू की वैल्यू फाइंड करना है, आई वन की वैल्यू फाइंड करना है और आई थ्री की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ इस क्वेश्चन में जंक्शन पॉइंट क्या क्या है, दिस इज पॉइंट ए, ये अगेन जंक्शन पॉइंट है, क्यों, बिकॉज थ्री रेसिस्टर या थ्री सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, सो दिस इज द जंक्शन पॉइंट। अगेन दिस पॉइंट बी इज ऑल्सो जंक्शन पॉइंट, क्यों, ये तीन एलिमेंट एक पॉइंट पर कनेक्टेड है, सो दो से ज्यादा एलिमेंट अगर एक पॉइंट पर कनेक्टेड है उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट डिफाइन करते हैं, सो वी कैन से दैट बी इज द जंक्शन पॉइंट। अगेन सी इज ऑल्सो जंक्शन पॉइंट, दिस इज सी एंड डी। अगर इस इक्वेशन इस सर्किट में हर जंक्शन पॉइंट पे हम केसीएल लगाते हैं, यानी क्रिचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, क्रिचॉफ करंट लॉ क्या डिफाइन करता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जो नेट इनकमिंग करंट होता है वो क्या बराबर होता है किसके, नेट आउटगोइंग करंट के। सो अगर पॉइंट ए, वे आर कंसिडरिंग एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए केसीएल अप्लाई कर रहे हैं हम, तो नेट इनकमिंग करंट कितना हुआ 15 एम्पियर, नेट आउटगोइंग करंट कितना हुआ I2 प्लस 8,
नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट. तो नेट आउटगोइंग कितना हो गया, आई टू प्लस एट. इस इक्वेशन से आई टू कितनी आई, 7 MPa. यानी हम फाइंड आउट कर चुके आई टू की वैल्यू कितनी होगी, 7 MPa. इस ब्रांच में 7 MPa करंट फ्लो होगा. नाउ अगर अगेन पॉइंट बी पे अब हम पोटेंशियल वो केसीएल लगाएंगे एट पॉइंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट जंक्शन पॉइंट पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं और करंट के रिलेशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं. सो दिस इज एट पॉइंट बी. एट पॉइंट बी की अगर बात करते हैं तो अप्लाइंग केसीएल अगेन 8 एम्पियर. नेट इनकमिंग करंट क्या होगा इस केस में, इस केस में नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट इस ब्रांच से करंट आ रही है और दो सक्सेसिव ब्रांच में करंट जा रही है. सो नेट इनकमिंग करंट कितना होगा, 8 एम्पियर इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट. नेट आउटगोइंग करंट क्या है, I3 प्लस इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, दिस इज 5 एम्पियर. तो यू कैन से दैट दिस इज 5 एम्पियर. सो टोटल I3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, I3 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. यानी पॉइंट बी जंक्शन पॉइंट बी पे केसीएल हमने अप्लाई किया एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I3, यानी इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है. I3 की वैल्यू कितनी हुई, 3 एम्पियर. नाउ एट पॉइंट सी अब हम कंसिडर करेंगे. एट पॉइंट सी फर्स्ट पहले हमने पॉइंट जंक्शन पॉइंट ए पे केसीएल लगाया, I2 की वैल्यू फाइंड आउट हुई. अगेन जंक्शन पॉइंट बी पे केसीएल लगाया और I3 की वैल्यू फाइंड आउट किया. देन अब हम जंक्शन पॉइंट सी पे केसीएल अप्लाई करेंगे. सो एट पॉइंट सी केसीएल अगर हम यूज करते हैं, सो इस ब्रांच में क्या हुआ, नेट इनकमिंग करंट, नेट इनकमिंग करंट इस ब्रांच में आ रहा है इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट. या वी कैन से दैट नेट इनकमिंग करंट क्या है, इस ब्रांच से भी करंट आ रहा है. अगर इस सी पॉइंट पे हम कंसीडर करें तो इस सी पॉइंट पे दो ब्रांच से इनकमिंग करंट आ रहा है, दिस ब्रांच I2 प्लस 3 एम्पियर. और नेट आउटगोइंग करंट क्या है, I4. सो वी कैन से दैट नेट इनकमिंग करंट I2 प्लस 3 इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट I4. I2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा था एट पॉइंट ए जंक्शन पॉइंट ए पे केसीएल यूज करके. I2 की वैल्यू आई 7 एम्पियर. So we can say that 7 plus 3 is equal to I4. Means I4 की वैल्यू कितनी हुई, 10 एम्पियर. I4 की वैल्यू कितनी आई, 10 एम्पियर. सो वी कैन से दैट I4 इज इक्वल टू 10 एम्पियर. बचा I1 पॉइंट. सो अगेन I1 के लिए हम पॉइंट डी पे केसीएल यूज करेंगे. एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी पे अप्लाइंग, एट पॉइंट डी पे अप्लाइंग केसीएल. सो वी कैन से दैट अब अगर जंक्शन पॉइंट डी की बात करते हैं तो नेट इनकमिंग करंट कितना है, I4 और I3. नेट इनकमिंग करंट दो ब्रांच से आ रहा है, I4 और I3. और नेट आउटगोइंग करंट कितना है, दिस इज I1. सो वी कैन से दैट नेट इनकमिंग करंट I3 प्लस I4 इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट I1. I4 की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट दैट इज 10 एम्पियर. I3 वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट दैट इज 3 एम्पियर. सो दिस इज 10 प्लस 3 इज इक्वल टू I1. सो वी कैन से दैट I1 इज इक्वल टू 13 एम्पियर. नाउ I1 की वैल्यू कितनी होगी, 13 एम्पियर. सो हमारे पास जंक्शन पॉइंट इस सर्किट में चार जंक्शन पॉइंट थे. फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज बी, थर्ड वन इज सी एंड द फोर्थ वन इज डी. चारों जंक्शन पॉइंट पे सक्सेसफुली हमने केसीएल क्रिचॉफ करंट लॉ को अप्लाई किया एंड वी फाइंड आउट I2 ब्रांच, इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो हो रही है दैट इज 7 एम्पियर. अगेन इस ब्रांच में करंट I3 फ्लो हो रही है दैट इज 3 एम्पियर. इस ब्रांच में करंट I4 हो रही है 10 एम्पियर. फाइनली इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रही है 13 एम्पियर. नाउ इस क्वेश्चन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन वी फाइंड आउट
दैट किसी भी सर्किट में अगर जंक्शन पॉइंट दिया हुआ है, यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो एक दो और तीन सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये जंक्शन पॉइंट हुआ। उस जंक्शन पॉइंट पे हम क्रिचॉफ करंट लॉ है, यानी अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ करंट लॉ द नेट इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट, यानी किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जो नेट इनकमिंग करंट होता है वो टोटल यानी नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो डिफरेंट जंक्शन पॉइंट पे हम केसीएल क्रिचॉफ करंट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। सो बेसिकली इस क्वेश्चन से ये केसीएल क्रिचॉफ करंट लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अबाउट अगेन द क्रिचॉफ करंट लॉ। थर्ड क्वेश्चन विल सी द थर्ड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट हैज गिवन, एक सर्किट अगेन हमारे सामने एक सर्किट दे रखी है, सर्किट बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया, नाउ दिस इज एंड फाइनली दिस इज द लास्ट एलिमेंट। अब इस सर्किट में जैसा हम देख सकते हैं बैटरी कनेक्टेड है, रेसिस्टर कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ईच ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सर्किट में दे रखा हुआ है, दैट इज इस ब्रांच में करंट है 2 एम्पियर। नाउ अगेन इनिशियल इस ब्रांच में करंट है 1 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट जो फाइनली लीगल फ्लो हो रही है दैट इज 2 एम्पियर एंड अगेन दिस ब्रांच 1 एम्पियर। नाउ यू कैन से दैट This is 5 ohm and we don't know, इस ब्रांच में हमें करंट नहीं पता है। रेसिस्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 3 ohm, रेसिस्टर ये है, दिस इज 3 ohm, दिस इज 5 ohm रेसिस्टर, 3 ohm एंड 5 ohm रेसिस्टर। नाउ अगेन दिस इज 2 ohm, दिस इज 1 ohm, दिस इज और फर्दर जो रेसिस्टेंस हमारा दे रखा हुआ है दैट इज 1 ओम। इस क्वेश्चन में कैपेसिटर की वैल्यू भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सी नॉट इज इक्वल टू 4 म्यू फैरेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस सर्किट को हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, यानी स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया उस केस में जो टोटल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैपेसिटर में जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में वी हैव स्टडीड दैट किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वी है और उसकी कैपेसिटी सी है तो एनर्जी स्टोर क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है स्टोर ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को हम फाइनली यूटिलाइज करेंगे। बस फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस कि अगर इस कैपेसिटर अक्रॉस, यानी अगर ये पॉइंट ए हम कंसीडर करते हैं और ये बी, यानी पॉइंट ए बी के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, देन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कैपेसिटी दी रखी है, वी कैन फाइंड आउट, इसलिए फाइंड आउट दिस एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम करंट इस ब्रांच में क्या फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर सके। नाउ जैसा कि सर्किट में दो जंक्शन पॉइंट है ए बी, सी भी एक जंक्शन पॉइंट है सी, सो इस सर्किट में मान लेते हैं करंट फ्लो हुआ आई थ्री, ओके सर्किट में आई थ्री करंट फ्लो हुआ एंड वी आर एज्यूमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अब पॉइंट ए पे हम किरचॉफ करंट लॉ निकालेंगे, लगाएंगे, अप्लाई करेंगे
So we can say that at point A, applying KCL. Point A क्या है? Junction point है. Point A junction point है क्योंकि चार element, दो से ज्यादा, तीन चार element connected है. तो हम A point पे Krichoff current law को apply कर सकते हैं. So at A देखते हैं कि net incoming current जो होगा, this, ये net incoming current है. क्योंकि capacitor अब steady state में है, यानी steady state में का मतलब क्या हुआ? कि capacitor fully charged है. अब इस branch में कोई current नहीं flow होगा. तो net incoming current जो होगा, is equal to net outgoing current. So at A applying KCL, net incoming current कितना हुआ? 2 plus 1 is equal to net outgoing current कितना है? Let us consider this is I1. Net outgoing current कितना हुआ? I1 is equal to 5 ampere. I1. Consider that I1. So I1 की value कितनी आई? 3 ampere. यानी point A पे Krichoff current law apply करके हम I1 की value हमने find किया, that is 3 ampere. Now अगर पॉइंट बी की देखते हैं, नाउ वी विल सी एट पॉइंट बी. एट पॉइंट बी अगेन अप्लाइंग केसीएल. एट पॉइंट बी पे देखते हैं नेट इनकमिंग करंट जो सर्किट में है, दैट इज वन. इस सर्किट इस करंट को हम एज्यूम करते हैं आई टू. आई टू प्लस वन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट. नेट इनकमिंग करंट कितना है? दिस एंड दिस. नेट आउटगोइंग करंट दिस वन. कैपेसिटर फुली चार्ज है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज है, यानी कैपेसिटर ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगा. यानी नेट इनकमिंग करंट 1 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट. सो वी कैन से दैट नेट इनकमिंग करंट कितना है एट पॉइंट बी पे अप्लाइंग केसीएल? दिस इज I2 प्लस 1 इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट 2. तो I2 की वैल्यू कितनी हुई? 1 एम्पियर. I2 की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट, I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. नाउ I3 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर्किट में. जैसा कि पॉइंट जो C है वो अगेन द जंक्शन पॉइंट है क्योंकि तीन एलिमेंट कनेक्टेड है. तो C एट पॉइंट C अप्लाइंग KCL अगर हम यूज करते हैं, तो जैसा कि इस सर्किट में I1 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली ये करंट इधर भी फ्लो होगा, दैट इज 3 एम्पियर. सो एट पॉइंट सी में जो नेट इनकमिंग करंट है, दैट इज 3 एम्पियर इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट. नेट आउटगोइंग करंट क्या है? I2 प्लस I3. ये सर्किट करंट की डायरेक्शन ये है, I2 प्लस I3. सो एट पॉइंट सी अप्लाइंग KCL को अप्लाई करके वी फाइंड आउट दैट नेट इनकमिंग करंट 3 इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3. I3 की वैल्यू वी कैन सॉल्व एंड फाइंड आउट I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 3 माइनस I2. यानी I3 इज इक्वल टू 3 माइनस I2, ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट दैट इज 1 एम्पियर. तो 3 माइनस 1 यानी दिस इज 2 एम्पियर. दिस इज 2 एम्पियर. फाइनली जितने भी जंक्शन पॉइंट थे सर्किट पे, सारे जंक्शन पॉइंट पे जैसे ए बी एस सी तीन जंक्शन पॉइंट थे, तीनों जंक्शन पॉइंट पे हमने इंडिविजुअली केसीएल Krichoff करंट लॉ को अप्लाई किया हमने, एंड देन वी फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच आई वन आई टू एंड आई थ्री. नाउ अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए बी, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट. ऑब्वियसली वी कैन से दैट पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा? अगर इस लूप के बारे में बात करते हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू करंट आई इंटू रेसिस्टेंस प्लस दिस पोटेंशियल अक्रॉस दिस ब्रांच, पोटेंशियल अक्रॉस दिस ब्रांच एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस ब्रांच. अगर इसको हम ई पॉइंट डिफाइन करते हैं तो वी कैन से दैट पोटेंशियल ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल ए ई प्लस पोटेंशियल ई सी प्लस पोटेंशियल सी बी. सो वी कैन से दैट अगर वैल्यू को हम रखते हैं इस इक्वेशन में, तो ए के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेसिस्टर, यानी 3 इंटू 5.
3 into 5 प्लस ई सी के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, करंट 3 एम्पियर इंटू रेसिस्टर यानी 3 into 1। अगेन पोटेंशियल अक्रॉस वी सी व्हाट विल बी, करंट आई टू इंटू टू यानी 1 into 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दिस इज 20 वोल्ट। ये पोटेंशियल अक्रॉस आ गई वी ए बी, यानी जो कैपेसिटर सर्किट में कनेक्टेड है स्टेडी स्टेट कंडीशन में। स्टेडी स्टेट कंडीशन मीन्स कि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, इसका मतलब अब इस ब्रांच में करंट कोई फ्लो नहीं होगा। इन दैट केस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो एनर्जी वी कैन फाइंड आउट, यू कैन से दैट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, यू कैन से दैट हाफ इंटू सी की वैल्यू कितना है, 4 μF। दिस इज 4 × 10⁻⁶ इंटू 20। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर इज हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, दैट इज 4 × 10⁻⁶, और वी हमने फाइंड आउट किया था दिस पोटेंशियल अक्रॉस दिस लूप, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। Now, we will see the next question over this topic, that is, basically, इस question को relate करके हमने देखा कि अगर कोई capacitor circuit में connected है तो steady state condition में उस capacitor के across क्या energy store होगा। So, we have find out कि अगर steady state condition है तो उस capacitor के across potential difference पहले हमने find out किया using KCL और KVL। And then the energy equation जो होता है capacitor across that is half CV square, वो easily we find out। मैंने जितने numerical problems थे उसके equations को लिखा और questions solve किया है। In the case अगर कोई value calculation में wrong हो so that you can make clear, you can calculate by yourself। Now, we will see the next question over Krichoff law, that is, fourth question dekhte hain about Krichoff, numerical problem on Krichoff law. This question mein again humare paas ek circuit hai, that is, एक 10 ओम की रेसिस्टर है, इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से, दैट इज 20 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया। नाउ अगेन एक रेसिस्टर इस सर्किट के पैरेलल कनेक्टेड है एंड अगेन एक बैटरी कनेक्टेड है एंड अगेन एक रेसिस्टर। इस रेसिस्टर की वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 4 ओम, बैटरी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 12 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज 8 ओम रेसिस्टेंस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांचेस, दैट इज मान लेते हैं इस ब्रांच से I1 करंट फ्लो हो रही है यानी दिस ब्रांच से I1, और वी कैन से दैट इस ब्रांच में I2 करंट पास हो रही है और दिस ब्रांच में I3। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी सी डी ई एंड एफ। नाउ करंट हमें फाइंड करनी है देन I1 I2 और I3। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्किट में हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है बी, बी इज अ जंक्शन पॉइंट इन दिस सर्किट। सो एट पॉइंट बी की बात करते हैं, एट बी जंक्शन पॉइंट है हमारा, तो केसीएल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग केसीएल किरचॉफ करंट लॉ
नेट इनकमिंग करंट, नेट इनकमिंग करंट क्या है, आई वन, आई वन बी पॉइंट पे आ रहा है, इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, नेट आउटगोइंग करंट क्या है, आई टू प्लस आई थ्री, सो वी कैन से दैट आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री, सो दिस इज आई वन इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से हम आई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आई थ्री इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, सो आई थ्री इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू हो गए, यहां हम इसको यूज कर सकते हैं आई वन माइनस आई टू। नाउ हमारे पास अब दो लूप है, इस दोनों लूप में अगर हम किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करते हैं, लूप वन एंड लूप सेकेंड लूप, सो वट विल फाइंड, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, अगर इस लूप में हम अप्लाई करते हैं केवीएल में, यू कैन से दैट ए सी डी और एफ के बीच में अगर केवीएल अप्लाई करते हैं, सो इन लूप ए सी डी एंड एफ, केवीएल हमने अप्लाई करना है, सो करंट इस ब्रांच ए से मूव किया सी, देन अगेन पोटेंशियल अक्रॉस, वी कैन से दैट हम ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस ए सी, पोटेंशियल अक्रॉस ए सी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस सी डी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस डी एफ प्लस पोटेंशियल अक्रॉस एफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये केवीएल रूल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल अक्रॉस ए सी, ए सी ए बी और सी सेम पोटेंशियल पे है बिकॉज एक वायर से कनेक्टेड है, सो दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जीरो प्लस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव कर रहे हैं, सो वी कैन टेक इट एज ए प्लस, तो 12 वोल्ट, अगेन ये रेसिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम सर्किट में ऑलरेडी गिवन है, सो प्लस 12 वोल्ट, इस ब्रांच रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट आई टू इंटू रेसिस्टर, यानी दिस इज 8 I2। नाउ अगेन बी डी एफ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हुआ जीरो बिकॉज वायर से कनेक्टेड है, तीनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे है, दिस इज जीरो। नाउ अगेन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम मूव कर रहे हैं, सो वी विल टेक इट एज ए नेगेटिव माइनस 20 प्लस, इस करंट करेक्ट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, सो दिस इज 10 I1। इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 12 वोल्ट को हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहे हैं, सो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 I1 प्लस 8 I2 इज इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अगेन ये तो फर्स्ट लूप से हमने अप्लाई किया, अगर हम सेकेंड लूप में क्रिचॉफ लूप लॉ यूज करते हैं, सो वी कैन से दैट इन लूप, अब सेकेंड लूप की बात करते हैं, इन लूप बी सी डी एंड ई, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी डी ई एंड अगेन ये लूप हमारा सेकेंड लूप जो है, अगेन इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम एक फर्दर इधर लिखते हैं 10 I1 8 I2 = 8, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है जो इस लूप में हम इस लूप में कंप्लीट लूप में हमने किरचॉफ लूप लॉ लगा के फाइंड आउट किया था। अगेन अप्लाइंग किरचॉफ लूप लॉ इन बी सी डी ई एंड बी, इस लूप में अगर हम किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं, सो अगेन पोटेंशियल अक्रॉस बी सी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस बी सी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस सी डी प्लस पोटेंशियल अक्रॉस डी ई प्लस पोटेंशियल अक्रॉस ई एंड बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। बी और सी सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है वायर से, सो बी सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ।
अगेन इस ब्रांच की अगर बात करते हैं तो दिस इज 12 पॉजिटिव टर्मिनल से मूव कर रहे हैं बैटरी के, अगेन करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दिस इज 8I2 पोटेंशियल अक्रॉस DE क्या होगा 0। एंड अगेन इस ब्रांच में करंट के अपोजिट, इस ब्रांच में करंट I3 मूव कर रहा है तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, सो वी विल टेक पोटेंशियल एज नेगेटिव, यानी करंट इनटू रेसिस्टर। I3 की वैल्यू ऑलरेडी हमने पॉइंट बी पे क्रिचॉफ करंट लॉ लगा के फाइंड आउट कर चुका है, सो I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज करंट इनटू रेसिस्टर और नेगेटिव, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो दिस इज माइनस I1 माइनस I2 इनटू दिस इज रेसिस्टेंस 4 ओम, ये वैल्यू आई हमारी 0। फर्दर अगर इस इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 9I2 माइनस I1, सॉरी दिस इज इक्वेशन को फर्दर देखते हैं, दिस इज 12 प्लस 8I2, नाउ दिस वन इज 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0, 4I1। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 12I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू माइनस 12, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्किट में क्या किया हमने, जो जंक्शन पॉइंट था पॉइंट बी, इस पे किरचॉफ करंट लॉ लगाया और करंट I3 की रिलेशन I1 और I2 के टर्म्स में निकाल लिया। देन हमारे पास दो लूप है, द फर्स्ट वन इज AC DF और सेकेंड लूप था हमारा ये ABC BC DE और B। इन दोनों लूप में हमने इंडिविजुअली सक्सेसिवली किरचॉफ लूप लॉ यूज किया एंड वी फाइंड आउट द टू इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। दो अननोन है हमारे पास I1 और I2 और दो इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, यानी इस पहले इस इक्वेशन से I1 हम फाइंड आउट करेंगे I2 के टर्म्स में, यानी कैसे, I1 हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 I2 बाय 10, यहां से I1 हमने फाइंड आउट किया। इस I1 को I1 इस पॉइंट पे I1 की जगह हम यूज करके फर्दर इक्वेशन हमारा I2 यहां से फाइंड होगा, अगेन यहां से I2 फाइंड होगा तो हम इस इक्वेशन में यूज करके I1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया इस केस में, सो दैट इज वी कैन इजली फाइंड आउट आफ्टर सॉल्विंग दिस, सो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ जो रिजल्ट है मेरे पास, दैट इज I2 इज इक्वल टू, जो इस ब्रांच में करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है, दैट इज इंडिविजुअली वी कैन से दैट I1 की वैल्यू, जो हमने I1 यहां कंसिडर किया है उसकी वैल्यू है 1.1, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1.895 एम्पियर। एंड अगेन अगर I1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो I2 भी हम इजली वैसे निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन से, सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ फर्दर एक लास्ट क्वेश्चन हम किरचॉफ लॉ के बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, यू सी अगेन एक सर्किट ऑलरेडी गिवन है, सर्किट
नाउ इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि V वैल्यू वोल्टेज इसकी V है और इस बैटरी की वोल्टेज हेड दी है ऑलरेडी सर्किट में, दिस इज 20 वोल्ट. नाउ दिस इज 1 ओम, रेसिस्टर की वैल्यू दे रखी है सर्किट में, दिस इज 3 ओम एंड दिस वैल्यू इज 2 ओम 4 ओम. अगेन इस सर्किट में हम V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सर्किट से, V की वैल्यू क्या होगी और I1 I और करंट इन ईच ब्रांच में क्या फ्लो होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर कि यहां से करंट I फ्लो हो रहा है. ओके, नाउ वी आर कंसीडरिंग इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में करंट I2. इस ब्रांच में करंट I, I1, I2, अगेन I1 यहां से आया और हमने कंसीडर किया कि इस ब्रांच में करंट I3 फ्लो हो रहा है एंड वी कैन से इस ब्रांच में करंट I4 फ्लो हो रहा है एंड दिस इज I5. यानी हमने इंडिविजुअल ब्रांच में करंट एज्यूम किया I1, I2, I3 एंड I4. नाउ लेट अस कंसीडर द पॉइंट, ये पॉइंट है A, दिस इज B, C, D, E, F, G. अगर ईच जंक्शन पॉइंट पे हम केसीएल यूज करते हैं, यानी पॉइंट ए पे अगर हम केसीएल यूज करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट ए पे क्रिचॉफ करंट लॉ हमने अप्लाई किया, सो नेट इनकमिंग करंट क्या है आई वन, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, नेट आउटगोइंग करंट यानी हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू. फर्दर वी कैन से I2 is equal to I minus I1. So I2 क्या हो गया I minus I1. I2 की वैल्यू यहां हम लिख सकते हैं I minus I1. Now at point D पे अगेन Krichoff लॉ की बात करें, at point D Krichoff लॉ, Krichoff करंट लॉ की बात करते हैं हम. So net incoming current कितना I1 is equal to I3 plus I4. And we can say that I1 is equal to I3 plus I4. So, I3 की वैल्यू I4 के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, या वी कैन से दैट I4 यहां से निकाल सकते हैं I1 minus I3. So, I4 यहां लिख सकते हैं I1 minus I3. अगेन अगर इस पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट D, E, F, इसको हम H कंसिडर करते हैं. So we can say at point H की बात करते हैं, at point H applying KCL. अगर point H पे हम KCL apply करते हैं, so net incoming current क्या होगा I2 I4 is equal to net outgoing current I5. So we can say that I5 is equal to I2 plus I4. Again I5 की अगर value हम put करते हैं, I2 की वैल्यू होगी I माइनस आई वन और फाइनली I4 की वैल्यू होगी I1 माइनस आई थ्री. इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस इज I माइनस आई थ्री. तो I5 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज I माइनस आई थ्री. यानी ईच जो जंक्शन पॉइंट था हमारे पास क्वेश्चन में सर्किट पे, पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट एच, इस तीनों जंक्शन पॉइंट पे हमने क्रिचॉफ करंट लॉ को अप्लाई किया और I1, I2, I3, I4, I5 में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया. सो नाउ अब हम कह सकते हैं कि दिस इस ब्रांच में जो करंट हो रहा है I माइनस I1 और अगेन I3 की वैल्यू हो गई हमारी, दिस वन इज I3, ये हमने एज्यूम कर रखा है. I4 की वैल्यू हमारी हो गई, दिस इज I माइनस I3 एंड I4 5 की वैल्यू हमारी हो गई, दिस इज I माइनस. अब इस सर्किट में हम फर्दर लूप लॉ अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्टिंग में इस लूप की बात करें, हमारे पास दो लूप हो सकता है, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप. फॉर एग्जाम्पल अगर इस लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, यानी इन लूप ए एच एफ जी, सो
जी, अगर केवीएल हम अप्लाई करते हैं, सो वी विल फाइंड आउट इस इक्वेशन में, अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, करंट इनटू रेसिस्टर, यानी 3i माइनस i1, अगेन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेसिस्टर, सो वी कैन से प्लस, अगेन वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं, दिस इज माइनस v इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 7i माइनस 3i1 माइनस 4i3 इज इक्वल टू v। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। सिमिलरली जैसा कि हमने इस लूप में केवीएल लॉ लगाया था, क्योंकि हमारे पास तीन चार अननोन है, i, i1, i3, v एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट्स इट i, i1, i3 एंड v, हमारे पास चार अननोन है, तो ऑब्वियसली हमें चार इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट और लूप लगा के हमने पहला इक्वेशन अप्लाई की लाया, अगेन सिमिलरली लूप h, d और ई एफ में, यानी h, d, ई एफ, h में केवीएल यूज करके हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नाउ इन लूप b, c, e, g, यानी b, c, e, g, b, c, e एंड g, b में यूज करके हम थर्ड इक्वेशन केवीएल यूज करके थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार अननोन है, i, i1, i3 एंड v, हमें चार इक्वेशन की नीड होगी। सो फर्स्ट लूप यूज करके केवीएल फर्स्ट इक्वेशन निकाला, सेकेंड लूप करके सेकेंड इक्वेशन, कंप्लीट लूप यूज करके हमने थर्ड इक्वेशन निकाला, और फाइनली इस लूप में बी सी डी एच और ए, यानी बी सी डी एच ए में अगेन केवीएल यूज करके, यानी सम ऑफ पोटेंशियल, ईच एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल निकाल के, दैट इज अगर सम करते हैं वो इक्वेट करते हैं जीरो होगा, यूज करके हम चार इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चारों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके हम v और i की फर्दर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर में, इस पूरे सेशन में हमने फाइव न्यूमेरिकल्स देखे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिचॉफ करंट लॉ, पांच डिफरेंट सर्किट देखी कि कैसे सर्किट में हम क्रिचॉफ करंट लॉ, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करके सर्किट में डिफरेंट अलग अलग ब्रांच में क्या करंट फ्लो होगा, क्या पैरामीटर्स वोल्टेज के होंगे, ये फाइंड आउट कर किया। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्रिचॉफ करंट लॉ या क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, वी विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।